फक, अभी रात को कितना बज रहा है? दस बज के सात मिनट हो रहे हैं और हम लोग अभी घर साफ कर रहे हैं क्योंकि घर पे आ रहा है एकदम इम्पोर्टेंट गेस्ट। वो तुम लोग को डिसाइड करने का, वो कौन है तुमको पता है? ऑब्वियसली तुमको नहीं पता होगा तो उसको पता होगा। तो ये सारा सब कुछ हमें छोड़ते हैं, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ स्लीन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारी कैसे? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो। अभी ये लड़की बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही है क्योंकि मैं इधर बात कर रहा हूँ, तो मैं फट से साफ सफाई करके आ जाता हूँ। लाइट चला गया, ये क्या है? कल से जा रहा है ना? हाँ, काफी ऑफन जा रहा है। फक, हम लेजिट एक घंटे से काम कर रहे हैं, दस बज के सात मिनट को चालू किया था। हाँ, तो एकदम ज्यादा साफ सफाई करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है अभी घर। मेरे को तुम्हारा वाइड एंगल चाहिए। अब सही है, वाइड एंगल में अच्छे से दिखेगा, है ना? हर रग हम लोग ने अंदर से बाहर लेके आया, तुमको कल पता चल जाएगा क्यों, है ना? ड्रेसिंग टेबल वेबल, वो मेरा खाना, ये ऐसा दिख रहा है। अंदर के लिए भी रग लेके आना पड़ेगा, है ना? लेके आ जाएंगे। अभी बज रहा है 12, अपने को कुछ नहीं समझ में आ रहा। पहले सबसे पहले तुम्हें कचरा उठा के डाल देता हूँ क्योंकि कल मैंने डाला नहीं था। ये बाहर अभी है मेरा क्लास, तो मैं फट से क्लास लेके आ जाता हूँ। मेरा मैं लेंस ढूंढ रहा हूँ, लेंस मिल नहीं रहा। अंदर आया क्लास लेके। जो हमारा फ्रेंड है जो आने वाला था, जो कल रहा था एकदम इम्पोर्टेंट, वो आ चुका है और हम लोग लेट है ऑलरेडी। और बहुत ज्यादा दूर जाना है, इतना दूर जाने का है बाइक लेके। पहले बाइक लेके पहले गाड़ी लेना है, फिर उधर से जाना है। चलो तो आया, गाड़ी में बैठ के बात करता हूँ क्योंकि ये तभी बिजी रहेगी, मैं फ्री रहूंगा, मस्ती करूंगा, इधर उधर हिलूंगा, गाड़ी में कूदूंगा। Help. Send help. Send help, guys. Help. 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 क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? अरे बहुत सारा सामान भी आ गया मेरा। हर हेलो आंटी। हाँ जी आंटी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, सबको पैक कर दिया है कोरोना। हाँ। जी चलो। अच्छा मामा, यार मैं वो वाला गाड़ी खोल रहा था खड़े रह के। अच्छा हुआ, तुम्हारी इज्जत तो होना भी चाहिए ना। चुप कर, फोन फेंक देवांगा। ऐसे कैसे कैसे? नहीं यार, ये तो धंधा है अपना, रोजी रोटी। बाकी यार तुम्हारे शंक वाले लाइन पे लोग बहुत ट्रिप कर रहे हैं यार, बोल रहे तुमको रोस्ट वीडियो बनाने चाहिए। कितने टाइम बाद अपन बाहर निकले हैं ऐसा, गाड़ी में बैठ के देख रहा हूँ। हाँ मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, हिलना चाहिए।
आजा छोड़ दे छोड़ दे लगे छोड़ दे। हाँ आ गए यार दिल्ली। कैसा था मस्त। फ्लाइट कैसा है? ये साइड में आ जा ना, ये साइड में आ जा। अच्छा था? भाग क्यों रही है? खुशी चाहिए। मैं तो सोचा भी नहीं था मैं पहुंच जाएगी करके तेरे पास। पता है इतने डर लग रहा था मुझे इंटरनेशनल से। मैं पहली बार आई हूँ ना। हाँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छी एक लड़की मिली थी, 23 साल की थी तुम्हारे जैसी। अच्छा उसके साथ ही फोटो खींच रही थी क्या? उसके साथ ही फोटो खींच रही थी अभी लास्ट तक उसके साथ ही थी मैं। अच्छा लेकिन उसको अभी वो उधर जाने का था। मजा आ गया लेकिन इधर आके मुझे डर लग रहा था। पहली बार है ना दिल्ली में, दिल्ली का सब जन डराते हैं ना, इसलिए और डर लग रहा था। वो देख वो है वाइट गाड़ी। जा इधर इधर से जा। अरे 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 चलो चलो चलते मेरे पास है। पीछे बैठ जा। तेरे को पता है हम लोग की गाड़ी में पेट्रोल कम है, हम लोग बिना एसी के आए। सोचे तू आएगी तभी हम लोग एसी लगाएंगे इसमें। हाँ, चालू ही हाँ, तो ये तो फिर भी ठीक है। 1951 से अभी जाके सबसे कम टेम्परेचर है मई में दिल्ली का। 20 डिग्री कम है कुछ। अभी बारिश आ रहा है ना तुम्हारे? हाँ। नहीं तो इतना गर्मी होता है। मैं सोचा नहीं था मैं तुम लोग के पास पहुंचेगी करके। सच बोलती हूँ मैंने सोचा ही नहीं था मैं तुम लोग को। बार बार मैं सैनिटाइज ही करती थी। मेरे बाजू में कोई नहीं था फ्लाइट में, बट मैंने सोचा फ्लाइट में पता नहीं बहुत साल बाद मुझे फ्लाइट में कुछ अधिक सा महसूस हुआ जैसा चलने लगा ना, तभी मैंने आँख बंद कर लिया। मैं बोला अरे बप रे बप रे क्या हो रहा है मुझे। तेरे को क्या? मेरे को भी होता है तो। हाँ मुझे ऐसे कुछ तो अधिक सा हो रहा था। एक तो मेरी बीपी भी है ना, फिर मैंने आँख बंद करके थोड़ा टाइम के लिए लगता मैंने ऐसा आँख को झुकी आ गई थी। फिर इतने में खाना आ गया तो मैंने सोचा खाना आ गया मतलब मैंने तो खाने वाली नहीं। पैकेट देखे ना। हाँ मैं समझ गई एरिया का पसंद नहीं करती चलो रख दो। मैंने वैसे ही ना पैकेट खोला भी नहीं, पानी भी नहीं खोला, वैसे ही रखा ऑफिस से। आगे देखेंगे घर जाके। बस हो गया, बस हो गया इतना, अभी इतना काफी है। है ना बाद में और सीए रहेगा तो आ जाएंगे है ना। नहीं नहीं आंटी रहते हैं यहाँ पे लोग। यहाँ पे? हाँ इतना गंद। अच्छा है घर? अच्छा बहुत अच्छा है रिया। हाँ इसको मैं मस्त डेकोरेट कर डालेगी देख। अच्छा क्या करेगी? इधर डायनासोर मिल जाएगा यहाँ पे, डायनासोर बना के देगी। नहीं नहीं जगह को मैं कैसा देख बनाऊंगी देख बाद में। थोड़ा मेरे को खाली रुक जाने दे दो दिन आराम से। खुशी हो रही है? हाँ खुशी हो रही है। ये फ्रिज हम दोनों ने लिया तेरे लिए। ये हो हम दोनों ने लिया तेरे लिए। इधर अंदर ये टीवी हम दोनों ने लिया तेरे लिए। ठीक है इधर आ जा। गॉड डैम इट्स बैक। हां अपने नाइटी के साथ अपने फेमस कॉस्ट्यूम के साथ शी इज बैक। हाँ तो फाइनली मेरी मम्मी घर पे आ गई है। मैंने बहुत लोगों से मैंने बहुत कुछ सुना, आड़ा तेड़ा बात भी सुना, अच्छा बात भी सुना, बट मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। और मैं पूरा टाइम लगा हुआ था कि अपने मम्मी को मैं कैसे घर पे लेके आऊँ क्योंकि सिचुएशन इतने टफ थे, मेरे को रिस्क नहीं लेने का था। फाइनली सब कुछ देख के यहाँ वहाँ इंक्वायरी करके मैंने बहुत कुछ फिर अपने मम्मी को लेके आया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अभी। खुश हूँ मैं ज्यादा खुश हूँ बाबा। मैं तो सोचा ही नहीं था मैं पहुंच जाएगी दिल्ली। वो तो सुबह से यही बात बोल रही थी क्योंकि मेरे को समझ गया। नहीं मेरे को ज्यादा वो कोविड का टेस्ट का ज्यादा डर था ना। चलेगा चलेगा तो वही आज के लिए अपन लोग को इतना ही रखते हैं। तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करने का है कि नहीं। बाकी मेरी मम्मी ने किचन एकदम ज्यादा अच्छा सेट कर दिया, वो अपन नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। अभी फिलहाल बहुत सारा बात करने का, अच्छे से खाने का, सोने का, तो सुबह को अच्छे से उठ के काम करने का, वापस से चालू करने का है ना। मम्मी को दिल्ली घुमाने का अभी नहीं, लॉकडाउन खुलने के बाद। तो तुम लोगों को पता तुम लोगों क्या करने का, तुम लोगों का करने का दुआ। अपन तुम लोगों को मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। और अच्छे के बाय प्लीज। क्या हुआ?